पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया और अपने अभिभाषण में कश्मीर, पेपर लीक और इमरजेंसी जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र किया। पेपर लीक मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिया। एक घंटे के अपने अभिभाषण में उन्होंने एनडीए सरकार के 5 साल का रोड मैप भी बताया। इस दौरान विपक्ष की ओर से विरोध का शोर भी सुनाई दिया। विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों के बखान पर सवाल उठाए और मोदी सरकार को सभी मोर्चों पर फेल बताया। अब 28 जून यानी कल प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा का जवाब देंगे। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की बीते 10 सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने हर क्षेत्र में शानदार काम किया है। अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। सदन के अंदर अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने जैसे ही देश में लगाए गए आपातकाल के उस दौर का जिक्र किया तो विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान आपातकाल के उस दौर का जिक्र करते हुए कहा कि आज 27 जून है, 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर बड़ा और सीधा हमला था और ये इतिहास का काला अध्याय भी था। वहीं राष्ट्रपति के ऐसे बोलते ही पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान पेपर लीक को लेकर सरकार द्वारा लाए गए कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है, इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। माननीय सदस्य, वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। देश की नारी शक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आप उनके पास नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। आप जानते हैं कि बीते 10 वर्ष में बने 4 करोड़ पीएम आवास में से ज्यादातर महिलाओं के नाम ही आवंटित हुई है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है, 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सदन के अंदर कई बार शोर मचाया। विपक्ष ने इसे सरकार का भाषण करार देते हुए कहा कि सरकार का हर दावा फेल है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार में युवा, किसान, महिला, व्यापारी समेत हर वर्ग निराश है। सरकार ने उनकी हर मुश्किलों को नजरअंदाज किया है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, वही पुरानी घिसी पिटी बात है और अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है। क्या हो रहा है देश में ये सबको पता है। आज गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है,
लेकिन सरकार इन चीज़ों का जिक्र तो कर नहीं सकती, तो ले दे के वही पुरानी बातों को दोहराया है। दिस सेम एज ओल्ड प्रेसिडेंशियल एड्रेस, लास्ट ईयर प्रेसिडेंशियल एड्रेस, नथिंग इज द ओल्ड स्कीम्स, एवरीथिंग इज रिपीटेड, नथिंग न्यू, नो एक्सपेक्टेशन फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, नो एक्सपेक्टेशन फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री, नो एक्सपेक्टेशन फॉर द फार्मर्स ऑफ द कंट्री, नो एक्सपेक्टेशन फॉर द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, नथिंग इज द आज बहुत ही संतोष और हमारे लिए गर्व का विषय है कि परम आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने नई लोकसभा के उद्घाटन भाषण में इमरजेंसी की त्रासदी को याद कराया, उसका उन्होंने पूरा निषेध किया। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए आगे की जनरेशन को कि कांग्रेस वाले जो बार बार कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आज तक राहुल गांधी ने कुछ कुछ कहा हाउस में, चुपचाप बैठे रहे। विपक्ष जहां हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण में मौजूद रहा, वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। अब संसद के विपक्ष के आक्रामक तेवर के बीच 28 जून यानी शुक्रवार को पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा का जवाब देंगे। देखना होगा कि पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष का क्या रुख रहता है, क्या इस सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा होगी या पिछले कई सत्रों की तरह संसद में ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर विपक्ष शोर मचाने से बाज नहीं आया। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, तमाम तरीके के जवाब मांगे गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर बना हुआ है कि क्या इस सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा कर पाएंगे, कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाएगी या पिछले सत्रों की तरह ये सत्र भी इसी तरह से भेंट चढ़ जाएगा। ये काफी दिलचस्प होगा जानना कि क्या विपक्ष और पक्ष को इसमें जरा सा भी दिलचस्पी है कि आम जनता के मुद्दों को कैसे डिस्कस कर लिया जाए, कैसे उस पर चर्चा कर ली जाए और कैसे उसका समाधान निकाल लिया जाए। इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ी है, आपका भी बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गई है, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत शांत प्रकाश जी आप ही से कर लेते हैं। राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया सदन के अंदर, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत सारी चीजें उठाई गई, गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत पड़ जाती है, क्या कुछ और बात करने के लिए, क्या कुछ और बताने के लिए मिलता नहीं है? जो हो गया सो हो गया, गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि कहीं कोई गड़ा मुर्दा उखाड़ा गया। तो राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया वो संविधान को ही लेकर के दिया कि किस प्रकार से पिछली सरकार में 75 में संविधान को किस तरीके से इसके ऊपर जो है काम किया गया, किस तरीके से इसको खंडित किया गया, एक प्रकार से जो है देश के 125,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, और सबसे जिस प्रकार का जो चुके हुए 50 साल हुए हैं उस वाकया को, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो पुरानी बात है। ये इसी सदन की बात है, इसी संविधान के साथ हुआ कृत है, इसको किसी सूरत में भुला देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान की रक्षा कहने से नहीं करने से होगी। और जिस प्रकार से वक्त में कांग्रेस और इसके साथी जो घटक हैं वो संविधान हाथ में लेकर के संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं, उनको इस चीज का भी आभास होने की आवश्यकता है कि आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं मगर आपके जो पिता और आपके जो बड़े जो बुजुर्ग हैं वो इसी संविधान की रक्षा के लिए जेल में 19 महीना जेल में बंद रहे थे। लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, ये सब जेल में बंद रहे थे। पवार साहब जो है वो जेल में बंद रहे, हरकिशन सुरजीत जी जेल में बंद रहे। आज उन्हीं की जो अगली जो पीढ़ी है
वो उसी कांग्रेस के साथ जिसने इस संविधान को बहिष्कृत किया था, जिस प्रकार से उसको खत्म करा था, आज वो उसके साथ है, अक्षर के साथ में, ऐसे भी काम चलेगा। हमें संविधान की रक्षा हमने मिलकर के की, इसमें जो इस वक्त में जो घटक है इनके साथ में, वो भी संविधान को बचाने में साथ थे। आज ये संविधान तोड़ने वालों के साथ में हो गए, नई जेनरेशन को पता नहीं है कि पीछे क्या बीता था, इसलिए आज अखिलेश जी उनके साथ में, आज इसलिए अन्य जो है ना जो उनकी आपसी सहमति है, कौन किसके साथ है, वो उनकी आपसी सहमति है ना, इसलिए इतिहास तो पता होना होगा। शांत प्रकाश जी, उनकी आपसी सहमति है कौन किसके साथ है, आपके साथ भी तो तमाम दल है, वो उनकी सहमति है कि वो आपके साथ हैं, लेकिन आप ये बताइए ना कि तमाम चीजों का जो जिक्र लगातार किया जा रहा था आपकी तरफ से, तमाम बातें कही गई, विकास होगा और जिस तरह से हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, आने वाले वक्त में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ऐसे में अगर अगर ये मान भी लिया जाए, अगर इतनी तरक्की की है तो फिर किसान क्यों परेशान है, किसान संकट में क्यों नजर आ रहा है? जो कहानी बताई जा रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या हमारा किसान उतना खुशहाल है जिस तरह से आपका बखान होता है? अग्निवीर योजना क्यों लागू की जा रही है, इसको लाने की क्या जरूरत है? महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? लोगों की ग्रोथ क्या सिर्फ देश में उन्हीं लोगों की बढ़ रही है, ये भी चुनिंदा लोगों के साथ ही आप चलेंगे क्या? अगर सब इतना खुशहाल है तो सब ठीक क्यों नहीं नजर आ रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आज के समय में आप मुझे बताएंगे महंगाई दर कितनी है? आपने प्रश्न किया ना, आज के समय में महंगाई दर कितनी है? नहीं तो महंगाई दर से आप ये 2014 में आप ही जवाब दे रहा हूँ ना, तो आज जो महंगाई दर है 4.8%, आपको मालूम है 2014 में कितनी थी और 1975 में कितनी थी? 28% थी। 2014 में जो थी वो डबल डिजिट में थी, 13% थी। कौन कह रहा कि महंगाई कम नहीं हो रही? आज जिस प्रकार से 4.8 महंगाई दर चल रही है, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि महंगाई दर बढ़ रही है? इस वक्त मैं जो रोजगार की बात है, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूं कि जो ईपीएफ का जो पंजीकरण है 2014 में महज 11 करोड़ था और आज 27 करोड़ ईपीएफ पंजीकरण है, यानी 16 करोड़ नए रोजगार लोगों को मिले हैं जिन्होंने अपने ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये पिछले 10 वर्ष का वाक्य बता रहा हूं मैं आपको। कौन कहता कि मैं लोगों को रोजगार नहीं मिला? और अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना में लगातार जो है बच्चे जो नौजवान जो भर्ती हो रहे हैं और देश के लिए अपना पूरा योगदान देने के लिए तत्पर है। अग्निवीर योजना केवल आपके कह देने से, अगर आप पता है ना सर उसके क्या फैक्ट्स हैं, इस पर बहस करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अग्निवीर योजना कितनी सही है ये आपको समझने की जरूरत है, ये फैक्ट सबके सामने है कि अग्निवीर योजना कितनी सही है और आप उसको लेकर आए तो उसका विरोध क्यों हुआ? इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं सर सर मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है सुधा मिश्रा जी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत परेशानी हो रही है, जो पुराना इमरजेंसी की जब याद आपको दिलाई जाती है, लगातार आप संविधान पर सवाल उठाते रहते हैं, संविधान चुनाव भी इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस बार आप लड़ते हुए नजर आए कि संविधान खतरे में है, हम संविधान को बचाना चाहते हैं, तो अगर सामने वाली दूसरी पार्टी, सत्ता पक्ष की पार्टी आपको आईना दिखाने का काम कर रही, तो फिर उस पर आपको इतनी आपत्ति क्यों होती है? चलिए वक्ता जी थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि 13 मिनट तक और कोई और भी बोल रहा था। चलिए आपका जो प्रश्न था उस पर पहले मैं बात करती हूँ कि जब आपातकाल की बात करके लोग बात करते हैं, विनोबा भावे का नाम शायद उन्होंने सुना होगा, निष्पक्ष होके जब उन्होंने कहा था तो उन्होंने कहा था आपातकाल नहीं अनुशासन पर्व था। आप भी जानती है वक्ता जी ने कहा कि आज के युवाओं को नहीं पता, इन्हें नहीं पता कि जो ये पेपर लीक करवा रहे हैं उन पेपर की तैयारी करने में बच्चे सारा इतिहास पढ़ते हैं, सब बच्चों को इतिहास पता है, और अगर इनको आपातकाल के बारे में नहीं पता है तो आप भी जानती हैं मैं भी जानती हूँ जितने बच्चों ने पढ़ाई की होगी अपने इतिहास को देखा होगा कि जब आपातकाल में जेपी जी ने जब अपने विशाल जनसभा में पुलिस और बलों का आह्वान किया था कि सरकार के निर्देशों का पालन न करें और जितने बल थे, आप सोचिए जिस समय आपके देश के ऊपर पाकिस्तानी और अमेरिकी आंखें थी, आपके देश के विकास को देख के जो समस्याएं लोगों को हो रही थी, अगर ऐसा हो गया होता उस वक्त में, होता है ना कि चीजों को मूल्यांकन पे करेंगे नहीं, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह मणिपुर से लेके हर जगह चल रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है, ये आपातकाल की बात करेंगे, उस समय
अपने देश को बचाने के लिए अगर वो ना किया गया होता तो जेपी जी के आह्वान पर जो चीजें हो रही थी, हो सकता है कि उनका भी उससे वो न रहता, उनका भी कंट्रोल न रहता। और ऐसे वक्त में जब देश को उस स्थिति में बना के, उसके बाद आप भी जानती हैं कि जब मोरारजी देसाई शपथ ले रहे थे उस वक्त जेपी जी किसके पास गए थे, ये इन लोग को पता तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ जनता को बरगलाने की बात। और बताइए 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं, राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोत्तम सर्वाधिक उच्च अस्त्र बैठे हुए थे, आज इतनी बात की गई, क्या उसमें मणिपुर की बात हुई, किसानों की बात हुई, पेपर लीक की बात हुई? इस तरह से इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, उसके बात हुई? अगर आप सच में संवैधानिक पद पे हैं और प्रश्न खड़े करते हैं, आप कहिए विकास हो रहा है? क्योंकि कोई भी सरकार आएगी जितने कर्तव्य करेगी कुछ ना कुछ, लेकिन जो नहीं कर रही है, अगर उससे सवाल खड़ा नहीं होता रक्षा जी, तो इस देश के युवाओं के साथ धोखा है। और इस धोखे में जिस तरह के लोग आपातकाल को लाते हैं, आप भी जानती हैं रिंद्रा जी के बोलने के बाद, जनता से संपर्क करने के बाद, वो कितने बहुमत से जीत के आई थी, ये लोग भूल जाते हैं। जेपी जी ने स्वयं मांगा, विनोबा भावे जी कहते हैं अनुशासन पर्व था, वो आपातकाल नहीं था। और ये लोग बिना किसी की बात पढ़े, बिना कुछ जाने सिर्फ बोलेंगे, क्योंकि इनको संविधान की रक्षा करनी ही नहीं है, देश की रक्षा करनी ही नहीं है। पेपर लीक करवा देंगे, मणिपुर में बोलेंगे नहीं, जहाँ पे अपराधी सब इनके साथ हैं, और ये बात करते हैं देश के संविधान की रक्षा की। इसीलिए हमें चुनाव में संविधान को लेके खड़ा होना पड़ा, कि जिस संविधान को पाने के लिए हमारे न जाने कितने हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इनको मैं तो कहां से पता होगा। उस समय साथ लोग अंग्रेजों की सेना भर्ती हो रहे थे, दिलगिर का धारा है, तो ये लोग क्या जानेंगे क्रांतिकारी क्या होता है, क्रांतिकारी कैसे करता है, उसके परिवार का बलिदान क्या होता है? अभी अग्निवीर पे आपको दे रहे हैं कि आपको नहीं पता है, जो ये जाने वही सबको पता है। ठीक है, वही लोग सच मान लें। कहना चाह रहे हैं शांत प्रकाश जी, जी कहिए सर, बहुत कम वक्त में सर, ज्यादा वक्त नहीं दूंगी। जिस प्रकार से कांग्रेस की जो प्रवक्ता है हमारी, उन्होंने कहा कि इंदिरा जी भारी बहुमत से जीती हुई थी, इनको ये नहीं मालूम कि 1971 का चुनाव जो है उसमें बेईमानी करने के कारण से 1973 में हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि उनका चुनाव जो है वो ठीक है। इस पे नहीं, लेकिन मैं बीच में बोला नहीं, आप बहुत बड़ी बात सुन लें, बड़ी बात नहीं। और उसके बाद में इंदिरा जी को त्याग पत्र देना चाहिए था, एक अयोग्य प्रधानमंत्री बैठा हुआ था, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है। पूजा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री बैठा हुआ था, एक अयोग्य प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, वो हारी हुई थी। शांत प्रकाश जी, ठीक है सर, ठीक है, कौन आ रहा जीता? ठीक है सर, पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण रहा वो पूर्ण तौर पर नहीं, सर मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, पूरा वक्त नहीं दे पाऊंगी, नहीं 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 सर, ऐसे नहीं होगा ना, मैंने आपको कहा, मैंने आपको पूरा वक्त दिया सर। 10 सेकंड की बात है, 10 सेकंड की बात है, इंदिरा जी जीती नहीं थी, जिन इंदिरा जी का चुनाव जो है हाई कोर्ट, पुराने मुर्दे उखाड़ कर आप आज में क्या भला कर लेंगे? मैं सभी पार्टियों को कहना चाहती हूँ, क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, तमाम मुद्दों को लेकर आप आ जाते हैं, लेकिन सदन नहीं, सबको पता है मूल बातें, पूरी दुनिया जानती है, इस तरह से बढ़ाने से बताने से जो चीजों पर आपको काम करना चाहिए, ना विपक्ष कर रहा है और ना पक्ष कर रहा है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, ठीक है शांत प्रकाश जी, मुझे आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी अगर आप शांत नहीं होंगे सर। नहीं सर, मैं बात को सुने और सुनने दें देश की जनता को भी। मैं पीसीआर से कहूंगी कि आवाज को डाउन किया जाए। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी है, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ये बार बार उठा रही है कि राष्ट्रपति का भाषण जो था वो सरकार का भाषण था, इसका क्या मतलब है, क्या जताने की कोशिश है? जो है आपको नमस्कार वक्ता जी, और सभी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। वक्ता जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आप उठा करके देख लीजिए, एक लाइन बताइए जो माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से कभी नहीं निकला हो। जितनी अभिभाषण में लाइनें थी, मैंने उनके पूरे अभिभाषण को पढ़ा, उनके पूरे अभिभाषण को सुना भी, और एक लाइन आप कोट करके बता दीजिए कि जिनमें जो है उन्होंने जो बातें प्रधानमंत्री जी ना बोले हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बोले हो, भाजपा के नेता ना बोले हो, ऐसा कोई एक भाषण उन्होंने दिया हो।
ऐसा कोई एक लाइन यूज किया, उन्होंने वो सारी लाइनें सिर्फ डिट्टो यूज कर दी जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है देते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जो है भाजपा का जो है भाषण हो गया या अभिभाषण हुआ, उन्होंने सारी जितनी भी लाइनें उठाई, बिल्कुल आप तारीफ करिए, देश की तारीफ करिए, लेकिन जो मुद्दे हैं आप उनमें भी तारीफ कर दे रही है कि हाँ सरकार इसमें भी अच्छा कर रही है, इसमें भी अच्छा कर रही है, इसमें भी, ऐसा बोलिए ना, आप देश की राष्ट्रपति हैं, आप कहिए कि सरकार यहाँ पे फेल हुई है, सरकार को जरूरत है उस पर समस्या करने की, वो करेंगे, आप ऐसा कह सकती हैं। लेकिन वृत्ता जी आप खुद बताइए, आप खुद ने जितनी भी आपने भाषण को सुना उसमें एक लाइन में बोलो, एक लाइन बोल करके बता दें, आपको विपक्ष को तमाम दलों को ये भाषण पसंद नहीं आया, आपके अनुरूप ये भाषण नहीं रहा, तो क्या इसका समाधान था? संसद को सर पर उठा लेंगे, शोर मचाना चालू कर देंगे, चिल्लाने लगेंगे, देखिए आप आपत्ति जताएंगे ना, उतनी आप विरोध दर्ज करेंगे जितनी जो है भाजपा की है। हाँ। और वक्ता जी, देश की राष्ट्रपति उतनी ही हमारी है जितनी जो है भारतीय जनता पार्टी की है। तो अगर जो है हम जीत तो करेंगे ही, यहाँ तो कुछ भी बिना प्रोटेस्ट किए ये नहीं मानते कि पेपर लीक हुआ है, तो हम तो प्रोटेस्ट तो पेपर लीक के बारे में कह दिया ना कि हम चर्चा करेंगे, जब तक हम बोलेंगे ना मुखर होकर के तब तक जो है, कल प्रधानमंत्री ने कह दिया ना कि वो आ रहे हैं और पेपर लीक पर चर्चा करेंगे, तो आप शांति तरीके से शांत होकर क्या विपक्ष इस बात को नहीं उठा सकता? चर्चा करने से पेपर लीक का समाधान हो जाता तो हाँ। तो पेपर कैसे लीक होगा, फिर कैसे होगा समाधान? 43 पेपर लीक हुए हैं बक्ता जी, कैसे होगा समाधान बताइए, चर्चा ना करें तो क्या करें, कैसे होगा समाधान आप ही बता दीजिए, पूजा जी आप ही से जान लेते हैं। अब जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, हाँ, हाँ. जब इनको पता चला कि उत्तर पुलिस का जो है पेपर लीक हुआ है, जब इनको पता चला कि एआरओ और आरओ का पेपर लीक हुआ है, तो 600 किलोमीटर का जो दायरा बना हुआ उसके आगे जाकर के क्वेश्चन पेपर सेट क्यों किया गया? जब हमेशा एनटीएसीबीटी बेस कराती है टेस्ट, तो फिर उसने पेपर प्रिंट कराया, उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस में पेपर प्रिंट क्यों करा रहे हैं, आप हमेशा सीबीटी बेस कराते हैं, ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? इनके सेंटर को कोई जैसे जो ऐसी जगहों पर दे दिए जाते हैं जहां पर पानी नहीं मिलता है, लाइट नहीं होती है, तो ये सब ये देखते नहीं है कि ऐसा सेंटर पे जाएंगे जहाँ पे साधन नहीं पहुंच पा रहा, वहाँ पेपर लीक नहीं होंगे? इनको अलर्ट नहीं होना चाहिए था, एक पेपर लीक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, फिर 10 हो गए, भाई आपको अलर्ट होना चाहिए था। ये सब कमियां है, आप बैठ करके फिर से 4 एजेंसी लगा दीजिए, 10 एजेंसी लगा दीजिए, अपना कार्य नहीं करेंगे, कार्य करने की मंशा नहीं रहेगी, तो आप 1000 एजेंसी लगा दीजिए, 1000 कानून ला दीजिए, लेकिन जो गलत कार्य हो रहे हैं वो होते ही रहेंगे। आप उसी एजेंसी को देते हैं जिससे पेपर लीक होता है, उसी एजेंसी को दोबारा देते हैं एग्जाम कराने के लिए, ये कैसे नीति बना रहे हैं आप बैठ करके? आपके बच्चों का मेंटल हेल्थ नुकसान हुआ, शिक्षा मंत्री मानते ही नहीं है कि ये पेपर लीक हुआ है, जब शिक्षा मंत्री जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तब शिक्षा मंत्री इस बात को मानते हैं कि हाँ धारी हुई है, अनियमितता पाई गई है। शांत प्रकाश जी, क्या आप लोगों को इतना समझ में नहीं आ पा रहा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कि सदन चलना चाहिए, सदन चलाने में आपको पता है रोज का कितना खर्चा होता है, पैसा बर्बादी की तरफ बढ़ाया जा रहा है कि सरकार के पास इतना पैसा है कि वो बर्बाद कर सके, और सरकार का तो पैसा बर्बाद हो नहीं रहा है, इसमें तो पैसा बर्बाद आम जनता का हो रहा है। देखिए सदन चलने के लिए पूजा जी आपसे नहीं, सर नहीं नहीं नहीं, सवाल आपसे नहीं है पूजा जी, नहीं आपसे नहीं है सवाल, शांत प्रकाश जी से है जी, कम वक्त में जल्दी से जवाब दीजिएगा। को संसद की कार्रवाई को मैनेज कौन कर रहा है ये बताएं, और किस लिए कर रहा है? क्या जो पेपर लीक की घटना हुई है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही क्या? उसके ऊपर एक दूसरे पर बंदूक रखकर चला देंगे तो समाधान निकल आएगा? शांत प्रकाश जी, एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला देंगे कि विपक्ष ऐसा कर रहा है, वो कह रहे हैं सत्ता पक्ष ऐसा कर रहा है, इससे समाधान निकल आएगा? मैं तो आपके बात का जवाब दे रहा हूँ, जो हाँ। इन्होंने अभी समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है, उन्होंने जो न्यूज पेपर के बारे में या इन्होंने कुछ 40 जो है ना नकल, उनके सवाल का जवाब मत दीजिए, जो सवाल मैं कर रही हूँ शांत प्रकाश जी उसका जवाब दीजिए। हाँ तो आपको आपका मैं बताऊँ मैं क्या जवाब दूँ? मैं पूछ रही हूँ कि कौन बाजित कर रहा है, क्या सत्ता पक्ष बाजित कर रहा है क्या? नहीं तो सत्ता पक्ष कहता है विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कहता है सत्ता पक्ष कर रहा है, पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? नहीं तो मुझे ये बताएं, आपका पैसा लग रहा है सदन चलाने में? क्या कह रही हैं? आपका पैसा लग रहा है सदन चलाने में? क्यों नहीं लग रहा? आपकी जेब से पैसा जा रहा है सदन में? क्यों नहीं जा रहा? आम जनता का पैसा नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा रोज बर्बाद नहीं हो रहा है? कितने नहीं सर, कितना नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी है सर, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बताओ क्या करना चाहिए, आप मुझे सुझाव दें। अरे सर सरकार में आप बैठे हैं, सुझाव हमसे लेंगे? वाह क्या बात कर दी शांत प्रकाश जी आपने, आपका लग रहा है। नहीं नहीं फिर तो मुझे सरकार में बैठना चाहिए ना, समाधान निकालना है तो मैं बैठूंगी वहाँ। चलो मुझे ये तो बताओ आप क्यों बैठे हैं उस कुर्सी पे फिर?
आप मुझे बताएं, प्रधानमंत्री जी को शायद पता नहीं है या हमारे जो स्पीकर हैं उनको पता नहीं कि सदन कैसे चलाया जाता है। वक्त जी आप बता दो। नहीं, आपको पता होना चाहिए ना, फिर आप कुर्सी से उतर जाइए अगर आपको नहीं पता है तो। अरे आप बैठने की जरूरत क्या है सर, कुर्सी से क्या उतारेंगे, अब तो 5 साल के लिए बैठ गए। अब तो आप ये बताएं कि सदन पैसा बर्बाद करने के लिए बैठे हैं आप, जनता का वो आप बर्बाद कर रहे हैं। बेतुके प्रश्न ना करें। नहीं 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 सर, बेतुके नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका। गरिमा के विपक्ष और पक्ष दोनों ही तरफ से लगातार रोज रोज सत्र को बाधित किया जा रहा है। हाँ, बेतुके प्रश्न ही जवाब आपके पास नहीं, इसलिए आपको बेतुके लग रहे हैं। नहीं नहीं, आपको बेतुके लग रहे हैं सुधा जी। सुधा जी, इस प्रश्न का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर आप इसी तरह से हंगामा करती रहेंगी तो क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से हो पाएगा? देखिए वक्ता जी, पहला प्रश्न सर, आपके पास कोई तर्क नहीं है? नहीं, आपके पास तर्क नहीं है। नहीं नहीं सर, आपके पास तर्क नहीं है। समझना चाहिए सुधा जी, सर मुझे और भी लोगों से जवाब लेना है। ठीक है सुधा जी, जो है अगर वहाँ पर जो है ना बाधा पहुँचाना है, सुधा जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। हम मैं अपने कल सदन जो है दोबारा बैठेंगे, इनको प्रधानमंत्री जी का, इनको राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो है जवाब होगा, उसके बाद में तमाम विषय जिनकी बात ये कर रहे हैं उस पर चर्चा भी होगी। इनकी कही हुई हर बात जो ये कहे मान ली जाए, और आप जानती है कि जनता के प्रश्नों को उठाने के लिए सदन में भेजा गया है जनता के द्वारा, और अगर जनता के प्रश्न, तो हंगामा करने की जरूरत क्या है? हंगामे की क्यों जरूरत पड़ती है? शांति से नहीं बात कर सकते आप? वक्ता जी, लोकसभा स्पीकर जी ने इसके पहले एक साथ कितने सांसदों को बाहर कर दिया प्रश्न उठाने के लिए? ये बाहर कर देंगे, बात नहीं करने देंगे? आखिर सदन में विमर्श ही तो होता है, ये बोलने अगर नहीं देंगे सांसदों को विपक्ष के, तो हमारे मुद्दे जनता के मुद्दे कैसे पहुंचेंगे? इनकी जो कार्यशैली है पिछले 10 वर्षों की, जो ये चाहे वो कर ले, जैसा ये चाहे लोग मान ले, ये जो कहे वही सच मान लिया जाए, और ये जो बोले न बोले उसको ही अंतिम सत्य मान के इनकी बातों पे बत्तर हिलाया जाए। क्या सदन की मर्यादा यही है? क्या जनता की आवाज अगर वहां तक नहीं पहुंचेगी तो हम लोकतांत्रिक मूल्यों को निभा रहे हैं? ठीक है, जनता ने हमें भेजा है। ठीक है, वक्त की कमी है सुधा जी। पूजा जी, आपसे भी एक लास्ट प्रतिक्रिया चाहूंगी। ऐसे ही सदन को चलाना चाहते हैं आप? क्या ये आप विपक्ष और पक्ष ये देखने को तैयार बिल्कुल नहीं है कि इसमें कितना नुकसान और किस बात का नुकसान होता है, किसका नुकसान हो रहा है? भरपाई सिर्फ और सिर्फ आम जनता को करनी पड़ती है। वक्ता जी, हमारा टारगेट बस इतना है कि जनता हित में आप कार्य करिए, जनता हित में आप डिसीजन लीजिए और जनता के लिए कार्य करिए। जनता के लिए कार्य करने लग जाए, हमें सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वक्ता जी, आपने देखा था यही सदन था, 141 सांसदों को बाहर निकाल दिया था, और कारण क्या था? बस यही सवाल पूछा गया, इनसे सवाल पूछेंगे तो बाहर निकाल देंगे। हम जो है जनता हित के लिए गए हुए सदन में, और जनता हित की ही बात करते रहेंगे। सदन हम भी चाहते हैं बिल्कुल चले, सुचारू रूप से चले, पर ये सुने, ये सदन सुने। ये तो जब जा रहे वहाँ पे शपथ लेने के लिए तो भी ये भी शोर मचा रहे हैं। सत्ता पक्ष में आप पक्ष बन गए हुए हैं ना, आप क्यों शोर मचा रहे हो? चलिए, ये देखने वाली बात होगी कि सरकार के सामने ये चुनौती बड़ी है कि इस बार सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कुछ किया जाए, क्या चल पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।